चलो ये क्या है? लॉलीपॉप चोरी का कोना जोर करने मांगेगा, फिर क्या करूंगी? ओ देखो गया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। उम्मीद से आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अपने चाहने वालों के साथ होंगे। चलो चलो, आज आपको दरसगाह जाना है, पहला दिन है इसको दरसगाह जाने को, देखेंगे कैसा रहेगा। चलो चलो नानी, दोपहर आज दो छह क्यों दायरे? अम्स है लॉली पॉप चांदस, दरे आयशा से ना वेन दी लॉली पॉप बैठने गए थे। आशा कसम से इस पे लड़ाई होगी दरसगाह में, मैं घर पे ही दूंगी, ये मेरे पास है अमानत आपकी, मुझे पता है जुल्कने देखेगा तो बस। चलो जुल्कने को उसी दरसगाह में जाना है जहाँ पे इसकी माँ ने पढ़ा है, मैं भी वहीं जाती थी। जुल्कने व्हाट आर यू डूइंग? नानी गई? नहीं नहीं, दरसगाह जाना है, वहाँ क्यों जाना है? चाबी लानी है तो ये चलो। वहाँ पे बैठो आयशा, आज आपको क्या पढ़ना है? अलिफ। हाँ मैम पढ़ाएगी अलिबा, आने दो उनको पहले, आने दो आने दो आने दो, अलिबा पढ़ना है। आप गिर जाओगे, जा मेरा जिगर, जा अच्छे से पढ़ना। नहीं ना, मैं मुझे जाना है घर, मुझे जाना है। चलो मम्मी भी आएगी, चलो निकालो शूज, चलो अंदर, मैम पास मैम पढ़ाएगी एलबी। चलो शॉप ओके, चलो हाँ भी नहीं आता, चोरी चोरी निकलना है मुझे वरना ये रोएगा। आज पहली बार छोड़ा इसको ऐसे, मैंने बहुत बार सोचा कि भेजू इसको भेजू इसको, पर डर लगता था, यहाँ पे ना कुत्ते हैं, ये पीछे पीछे भागते हैं, बच्चे खुद को संभालेंगे या जुल्करने इनको, इसलिए नहीं भेजा उसको। बट आज लगा नहीं भेजना चाहिए क्योंकि अली भी मानता ही नहीं है पढ़ना, वन टू वन सब कुछ पढ़ता है, ए बी बी वन टू बी फ्रूट्स वेजिटेबल सब कुछ, जो है अलबे की बारी आती है और दुआर बे की बारी आती है, ये मानता ही नहीं पढ़ता, तो मुझे लगा नहीं अब जाना चाहिए क्योंकि 3+ का ये हो गया तो दरसगाह बहुत जरूरी है। तो ठीक है देखते हैं क्या बोलेगी वो जब आएगी, तो वो देखो हाय हाय, ये ना लो कार्ड्स है, ये किसी ने जंप मारी है और लो कार्ड्स के फ्लावर तोड़े हैं। वेल ये है इस व्लॉग का दूसरा दिन, तो अभी बाहर आया है पार्सल वाला, उससे लेते हैं पार्सल, देखते हैं क्या है और आप लोगों को भी दिखाएंगे क्योंकि घर में है, मुझे पहले जिसका भी पार्सल हो मुझे पहले अनबॉक्स करना ज़रूरी होता है क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना होता है, इसलिए मैं जाती भी खुद हूँ पार्सल लेने और अनबॉक्स भी खुद ही करती हूँ। तो ये वाला पार्सल मेरा खुद का है, मैंने फैब्रिक ऑर्डर किया था क्रेप का क्योंकि मुझे ना शौक पड़ गया मैं अबाया बनाऊँ, तो देखते हैं अबाया बनेगा उससे फ्रॉक बनेगा क्या कुछ बनेगा, तो वो तो आपको अपकमिंग वीडियोज़ में पता चलेगा, तो बस बने रहे हमारे व्लॉग के साथ। वेल ये दो पार्सल थे, दो कलर के फैब्रिक थे, तो देख लो यहाँ पे इतने कुत्ते पूछो मत, ये देखो धूप सेक रहा है दीवार पे, और ये देखो दूसरा, यह हमारा मोहल्ला
कुत्तों से भरा हुआ है, कसम से। इतने कुत्ते, पता नहीं कौन सी कैटेगरी के कुत्ते हैं, दीवारों पे जंप करते हैं। अब पता है हमने क्या किया, मैं अंदर दिखाऊंगी आप लोगों को। आपने देखा हमें दीवार तोड़ी है, क्योंकि बच्चे खेलने जाते हैं तो कुत्ते जंप करते। हमने दीवार के ऊपर ना टीन लगाया हुआ है, ये देखो यहाँ। चलिए देखते हैं, वही है जो मैंने मंगवाया था या कुछ और निकला, बिकॉज मीशो का पार्सल है तो बिल्कुल वही प्रिंट है, वही कपड़ा है जो मैंने मंगवाया था अभया के लिए। तो बिल्कुल हाँ वही है, इतनी खूबसूरत प्रिंट है। मैं आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगी, पहले मैं यहाँ पे मेजर करूँगी। 4+ मीटर्स थे, तो यहाँ पे पहले देखना पड़ता है 4+ है या नहीं, क्योंकि मीशो के प्रोडक्ट से कुछ भी आ सकते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, मीशो कुछ बोलता है, दिखाता कुछ है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये, और मैंने ये अभया के लिए लाया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला। बट मुझे आप लोग भी बोलिए, अभया बनाओ मैं इससे, या कोई लॉन्ग फ्रॉक बनाऊँ, या कोई क्या बनाऊँ, वो मैं आप तक छोड़ती हूँ। जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक मैं इसको स्टिच नहीं करूँगी, ठीक है? क्योंकि बोलना चाहिए ना, सबको बोलना चाहिए क्या बनाऊँ क्या ना। आप लोग ना मेरी फैमिली जैसे हो। एंड मेरे डैडी कहा करते हैं कि लाइफ में जो भी करो, सबके साथ सारे फैमिली मेम्बर्स को बिठा के कोई फैसला लेना चाहिए। कभी कभार ऐसा भी होता है, घर का कोई छोटा सा फैमिली मेम्बर आपको वो ऐसा फैसला, ऐसा मशवरा देता है कि बड़ा नहीं दे पाता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है, आप बंद कमरे में अकेले कोई फैसला लेते हो, और इन फ्यूचर आपको उस फैसले से बहुत पछताना पड़ता है। इसीलिए जो भी करो मिलजुल के करो, आप मेरी फैमिली हो, आप मुझे बोलो। वेल, अब बारी है दूसरे पार्सल को अनबॉक्स करने की। तो यहाँ पे जुलकर ने बीच बीच में कैमरा के सामने आता है, तो वो आप इग्नोर कर लो। तो खोलते हैं पहले इसको। वेल, ये है दूसरा फैब्रिक। नीचे क्या जुलकर ने बीच बीच में आ रहा था ना, उसने ना वीडियो ही बंद कर लिया था, तो वो उतनी मेहनत मेरी ज़ाया हो गई। तो ये है, ये वाली फ्लावर की प्रिंट है, ये देखो कितनी प्यारी है। तो मैं सोच रही अबया बनाऊँ इससे, या मैं फातिमा आयशा के लिए कोई ड्रेस ना फ्रॉक तो बनाऊँ इसका, वो भी आप लोग मुझे बोल देना, ठीक है? तो ये क्रेप का कपड़ा है, तो अच्छा लगता है फ्रॉक, इससे ना बहुत अच्छे बनते हैं। तो मुझे लगता है अबया के लिए, अबया ना वो डिज़ाइनर अबया के लिए, मुझे लगता है ये थोड़ा ना फास्ट वाला कलर लगेगा, जो पहले दिखाया वो मुझे लगता है अच्छा है। मुझे बोलना, अपनी एडवाइस देना कमेंट में कि क्या बनाऊँ कैसा बनाऊँ। और ना अगर कोई फ्रॉक आपके माइंड में है, कोई डिज़ाइन आपके माइंड में, वो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे आप सेंड कीजिएगा। वेल, तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।